गजरोला में वाल्मीकि समाज को कैंडल मार्च निकालने पर पुलिस ने खदेड़ा। गजरोला में कैंडल मार्च निकाल रहे वाल्मीकि समाज को पुलिस ने भगाया, निकालने नहीं दिया कैंडल मार्च। वाल्मीकि समाज ने लगाए गजरोला कस्बा इंचार्ज रजनीश यादव पर गंभीर आरोप। कस्बा इंचार्ज व वाल्मीकि समाज के बीच जमकर हुई नोकझोंक। गजरोला नगर में हाथरस की बेटी के लिए कैंडल मार्च निकाल रहे वाल्मीकि समाज को पुलिस ने कैंडल मार्च निकालने से रोका। इस दौरान वाल्मीकि समाज व पुलिस को तीखी बहस भी देखने को मिली। बहस के दौरान पुलिस ने वाल्मीकि समाज को भगा दिया। वाल्मीकि समाज के लोगों का कहना है कि पुलिस ने उन्हें एक बेटी के लिए इंसाफ मांगने से रोका है। इसके साथ ही वाल्मीकि समाज के लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कस्बा प्रभारी रजनीश यादव ने उन्हें कैंडल मार्च निकालने से रोका और उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए नेतागिरी निकालने की बात कहते हुए वहां से भगा दिया, जिसके बाद वाल्मीकि समाज के लोग मायूस होकर वापस लौट आए। उधर वाल्मीकि समाज के लोगों में पुलिस के प्रति रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि अगर पुलिस ने उनसे माफ़ी नहीं मांगी तो वे उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। वो हाथरस की बेटी नहीं पूरे देश की बेटी है, उसे इंसाफ दिलाने के लिए वाल्मीकि समाज सड़कों पर उतरा था, लेकिन पुलिस ने वाल्मीकि समाज के साथ इस दौरान काफ़ी नोकझोंक की और अभद्र व्यवहार करते हुए भगा दिया। मोमबत्ती जलाने के लिए आए थे, हमें मोमबत्ती नहीं जलाने दे, पुलिस ने हमें उल्टी सुधी कही, हमें अंदर तक नहीं जाने दिया, हमें मोमबत्ती नहीं जलाने दे, तो हम अपनी बेटी के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने किस लिए कैंडल मार्च निकाला था? आपने कैंडल मार्च किस लिए निकाला था? इसलिए निकाला था, लड़की के लिए निकाला था। लड़की के लिए आए थे और लड़की के इंसाफ मांगने आए थे, हमारे तब ये थाना सुन ही नहीं रहा है। फिर क्या हुआ यहाँ पर अंदर चौक पे क्या हुआ? इन्होंने गाली गुफ्तार दे कहा, भगा दिया। इन्होंने दी गाली गुफ्तार? किसने की गाली? पुलिस वालों ने। क्या कहा? क्या क्या करने आए हो, क्या है यहाँ, क्या सी मीटिंग लेकर आए हो, हम ये मीटिंग लेकर आए हैं यहाँ। किसने तोड़ाया आपको उसमें? पुलिस वालों ने। नाम क्या? रजनीश यादव। क्या नाम है? रजनीश यादव। नाम आपका? अनिल पवार वाली। आज क्या मामला हुआ है आपके साथ, आप क्या निकल? हाथरस की जो बेटी मनीषा है उसको उसने कैंडल मार्च निकालने आए थे बस्ती से इंदिरा चौक पे, तो हमें यहाँ पे प्रशासन ने पुलिस वालों ने कैंडल मार्च नहीं निकालने दिया, नहीं मौन धारण करने दिया। क्या कहा पुलिस ने? उन्होंने हमें भगा दिया वहाँ से, बोले कि यहाँ कोई कैंडल मार्च नहीं है, यहाँ पे 144 धारा लागू, तुम भागो यहाँ से, तुम्हारा कुछ नहीं है भाई, तुमने ये है वो, हमें धक्का मुक्की देके भगा दिया। किसने तोड़ा आपको वहाँ से? रजनीश कुमार यादव हैं, कस्बा इंचार्ज गजरोला के। उन्होंने क्या बोले? वो भागो, बोले अभी दो मिनट में नेतागर्दी निकाल देंगे, डंडा बरसा देंगे, ये कर देंगे, वो दुनिया भर की हमको गाली गलौज करके धक्का मुक्की करके हमें सड़क से एक तरफ को धकेल दिया गया और बोलते हैं यहाँ पे कोई वो नहीं है। आपको मौन नहीं करने दिया? मौन कुछ धारण नहीं करने दिया, बोले साहब ये हमारी वो है, जाओ करना तो अपने घर करो, जो भी करना अपने घर करो, ये बोल दिया गया हमसे। क्या नाम आपका? सुधा। आपको जो पुलिस ने भगाया है, क्या मामला है? ये मामला है साहब, ये लड़की जो क्या नाम है इसका, मनीषा, इसका बलात्कार हुआ गया है साहब। ये देखिए, हमने उसके लिए कैंडल जलाया, उसने हमें पुलिस ने जलाने नहीं दिया, हमें ये मार के भगाया, इन्होंने डंडे मार के भगाया साहब। ये तो नहीं जानती मैं क्या नाम है उनका पुलिस वालों का, मैं तो भूल गई। और रजनीश यादव जो पुलिस यादव जो पुलिस इंचार्ज है, उन्होंने हमें गाली गलौज दे गए और थाने चौराहे पर से भगाया गया। क्यों भगाया आपको? उन्होंने ये भगाया कि आप ये बताओ किस लिए आए हो यहाँ? तो आपने कैंडल मार्च रखा था? जी रखा नहीं दिया हमने, जबरदस्ती रखा है, मार तोड़ के भगा देते हैं। मैं तो आपने मौन नहीं रखा? नहीं, मौन नहीं रखा दिया, कह रहे यहाँ से भागो नहीं तो हम तुम पर लाठी चार्ज कर देंगे। बताओ एक बेटी के लिए हम कुछ नहीं कर सकते और क्या करेंगे हम, वो भी किसी की बेटी है, उसका भला क्या, वो हो गया, उसकी गर्दन भी काटी गई है, जीभ तलक की काटी गई है उसकी, है वो भी तो किसी की बेटी है, जैसे हमारी बेटी है वो भी किसी की बेटी है, हम भी चाहते हैं उसे इंसाफ मिला।